some wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. रुके ना दिखाती हूँ. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे. आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो है वो दुबई से मेरे लिए फ़्लावर ऑर्डर किए गए थे. मुझे जो है फ़्लावर्स और चॉकलेट्स मिली हैं. मैं आज बहुत खुश हूँ. हस्बैंड ने मेरे भेजी हैं तो एकदम से मुझे सरप्राइज़ मिला है. रेड फ्लावर्स और साथ चॉकलेट्स थी. इसके चॉकलेट्स तो सारी बच्चों ने खा ली मुझसे छीन छीन के, और जो है ये फ़्लावर मुझे मिला है. ये पूरा फेंक कर गए हैं, पता नहीं अभी इसमें से कितनी चीज़ें टूटी है मुझे नहीं पता. ट्रक से इन्होंने उतारते हुए नीचे फेंका था. अभी मैं इसको खोल के, और वैसे भी ये देखे बोरा खुला हुआ है, इसके अंदर से वायर्स और जो हमारी चीज़ें थी वो बाहर है. कितनी चीज़ें गुम है मुझे नहीं पता. साइड से खुला हुआ है और इसकी चीज़ें बाहर है. अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने जो है अंदर से क्या क्या निकाला है. खुला हुआ है साइड से, काफ़ी बड़ा खुला हुआ है कि अंदर से आराम से चीज़ें निकाल सकते हैं. फटा हुआ है और ट्रक से इतने ज़ोर से नीचे फेंका है इन्होंने, और पहले भी जो है ये पता नहीं टूटी फूटी चीज़ें आई हैं सारी. मेरी चीज़ें पहुंची हैं दुबई से कार्गो होके, सारी चीज़ें टूटी हुई हैं. ऐसा लगता है समंदर के अंदर तैरते हुए ये लोग लेकर आए. सारी चीज़ें टूटी हुई हैं. मेरे बर्तन, मेरा जो है टी शर्ट वो टूटा हुआ है. मेरी चीज़ें जो हैं वो गिरी हुई हैं, गायब हुई हुई हैं. बहुत दुख हो रहा है. आज मैंने उनको ठीक ठाक सुनाया लेकिन वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है जो दुबई में जिन्होंने भेजा उनको पकड़े. अब मैं किसको पकड़ूँ आप बताएं. ये देखिए मेरा कार्टन है, इसके अंदर जो है मेरे कप्स टूटे हैं. मेरे फेवरेट कप्स थे वो, मेरे फेवरेट मैंने ख़रीदे थे. सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने तोड़ दी हैं. इतना मुझे दुख हो रहा है. ये नहीं सुधरेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कौम सुधर सकती है. बहुत दुख हो रहा है मुझे. मेरे बर्तन जो मुझे इतने ज़्यादा पसंद थे, और फिर और आप देखें जब ट्रक आके रुका है तो ट्रक में से चीज़ें उन्होंने ज़मीन पे फेंकी हैं. तो मैं अगर खड़ी होती ना मैं इनको अच्छे से जलील करती. सोचिए अभी हमारे सामने ये हरकतें कर रहे हैं तो ये उन्होंने चीज़ें क्या तरीके से लाए होंगे, किस तरीके से ये लाएँ मेरी चीज़ें में समझ नहीं आ रहा. और क्या तैरते हुए लाएँ, सारी चीज़ें अंदर से गीली हैं. ये देखो सारे मेरे बर्तन तोड़ दिए, ठीक है, सारी चीज़ें गीली हैं. ये मेरी नई बेडशीट थी, पैक हुई हुई थी, ये खुली हुई है और गीली है, पूरी गीली है. हाल देखें यहाँ पर, ये देखें सारे मेरे बर्तन तोड़ दिए, टूटे हुए बर्तन. ये देखें मजाक चल रहा है यहाँ पर. सारे मेरे कप्स, सारे बर्तन टूट गए. बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं, बहुत ज़्यादा. शुक्र है कि बबल रैप किया हुआ था कुछ चीज़ें, वरना ये जो सुफियान की चीज़ें हैं ये सारी ख़राब हो जाती. ये उसके पॉडकास्ट की चीज़ें हैं वो जो है बच गई, अल्लाह का शुक्र है. वरना तो सारी गीली है. मुझे तो लगा है कि ये पानी में तैरते हुए लेकर आए, जितना लेट इन्होंने पहुँचाया है. और जो है ये चीज़ें सारी जो हैं गीली थी, तो ये सारी चीज़ें कुछ बच गई हैं, अल्लाह का शुक्र है. बाकी बर्तन तो गए, जैसे ना प्रोग्राम तो उड़ गया. ये वो वाला सीन था. ये देखिए मेरा
कार्टन मैंने खोला था, सामान निकाला है जो बच गया है। और इधर हालत आप देखें, ये देखें, आपको दिखाती, ये देखें, ये मेरे बर्तन सारे इसे ये पड़े हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कप्स, ये देखें, इन्हें सारी चीज़ें तोड़ दी इन्होंने। ये देखिए मेरा कप टूटा हुआ, सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने। हराम का पैसा लेते हैं, हराम खाते हैं, बस ऐसी आदत पड़ी हुई है ना हराम खाने की, क्या बोल सकते हैं, बुरा हाल कर दिया। करवाया था 3 महीने बाद वो सामान पहुंचा और सारा सामान ऑलमोस्ट टूटा हुआ, और मेरी बेडशीट्स जो मैंने नई नई ख़रीदी थी वो सारी गीली, यानी ऐसा लगता है कि समंदर में तैरते हुए लेकर आए हैं। सारी चीज़ें मेरी तोड़ दी हैं इन्होंने, और सारी चीज़ें गीली थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों गीली थी, और मेरी सारी चीज़ें तोड़ दी इन्होंने। मेरा टी सेट तोड़ दिया, मेरे बर्तन तोड़ दिए इन्होंने, मेरे जो छोटी छोटी चीज़ें थी मैंने वहाँ पे डेकोरेशंस लिए हुए थे, फ्रेम्स थे, वो तोड़ दिए। बहुत दुख हो रहा है, क्या करूँ, मेरी चीज़ें सारी इन्होंने तोड़ दी हैं। ये कार्टन पड़ा हुआ है इसको मैंने अभी खाली किया है, कुछ चीज़ें इसकी मैंने निकाल दी हैं, कुछ गीली हैं, जैसे बेडशीट्स नई नई थी मेरी, हालांकि वो पैक थी लेकिन उनका सत्यानाश कर दिया। अभी उनको दोबारा से वॉश करा के, प्रेस करवा के लॉन्ड्री से मैं दोबारा उनको अपने पास रखूँगी। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरा फ़िलहाल तो ये चीज़ें देख के, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा जो है वो हम लोगों ने मूव लिया है, एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं। कुछ चीज़ें, खैर चीज़ें तो मेरी बहुत ज़ाया हुई हैं, लेकिन इन चीज़ों का मुझे बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं लोग किस तरह काम करते हैं, इतना हराम कहाँ से खा लेते हैं, मुझे नहीं समझ आती। इतना हराम इनके पेटों में जाता है, इनको शर्म नहीं आती है। लोगों के इनका दिल बिल्कुल नहीं, वो यानी दिल इनका बिल्कुल भी नहीं दुखता, क्योंकि मैं बाहर नहीं आई थी, वो जब ट्रक से ये कार्टन उतार रहा था तो हमारे जो हेल्पर है वो मुझे बता रहा था कि उसने उसको मना किया, वो इतने ज़ोर से उसने नीचे फेंका कि आधी चीज़ें तो वहीं टूट गई होंगी। लेकिन बस क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं हम किसी चीज़ का, मुल्क के हालात तो देख ही रहे हैं हम लोग। तो बस मैंने जो है वो चीज़ों को संभाला, एक कैरी के अंदर डाल के इनको पैक करके रख दिया, क्योंकि इनको मुझे यूएस से अपने साथ ले जाना है। कुछ चीज़ें जो बच गई थी, शुक्र है बबल रैप हुआ हुआ था तो ये चीज़ें हमारी बच गई हैं, मैंने इन चीज़ों को रखा। बाकी मेरे जो डेकोरेशन वगैरह था मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। जो ये जो मैंने फ्रेम लिया हुआ था, ये मैंने इजिप्ट पेविलियन से लिया था, दुबई में ग्लोबल विलेज से। ये इतने अरसे से मेरे पास था और नहीं टूटा, लेकिन अभी टूट गया। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है लो फील कर रही थी अपनी चीज़ें देखकर, मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो फिर मैं अपनी बहन के घर निकली, ज़ैनब, मैं और अम्मी, बाकी तो यहाँ पर जो भाई के बच्चे उन सब के पेपर्स होने वाले हैं तो वो लोग तो पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग हमारे साथ गए नहीं। तो मैं जो हूँ इनके साथ, अम्मी के साथ और ज़ैनब के साथ जो हूँ बहन के घर गई। मैं दिखा देती हूँ, कोई तो बात नहीं, एक मिनट में ऐसे तो पहले दिखाओ, एक मिनट आप लाइट जला रहा ना पहले। ओ माय गॉड, बहुत प्यारा बनाया बीना भाजी, ओ कितना प्यारा है, लाइट बंद कर दिया, ये देना ऐसा आपको सांस का हो रहा है ना, जानो कुछ पानी चाहिए बीना जी, मुझे चाहिए लेकिन मैं ले जाऊं कैसे से। इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है मेवा, बहुत ज्यादा। अभी मैंने इसकी इधर विंड चेन्स लटकानी है सामने, ये मेरा दोस्त को ठीक है, ये मेरी बहन ने बनाया है, किसी ने ऑर्डर देना है तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। क्या हुआ, क्या ऑर्डर, क्या ऑर्डर, दरवाजा देखिए, अच्छा बस विजिट थोड़ी, कैसे से ना दे दे, क्या कैंडी क्रश खड़ा कर दे ना, बनाना शुरू किया अपनी तरफ से, ये देख पिलर तो ये जो है अगले दिन की वीडियो है, अगले दिन दोपहर के टाइम की। तो ये हम लोगों ने जो है देख मंगवाई थी, मास्टर बिरयानी से बिरयानी मंगवाई थी, ऑफिस की जो बिरयानी है बहुत अच्छी है, मैंने लाहौर में इतनी अच्छी बिरयानी नहीं खाई। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही ना, ये पेड प्रमोशन है,
ये बिरयानी वाकई मुझे जो पसंद आई है बहुत अच्छी लगी। लाहौर में मैंने पहली दफ़ा जो बिरयानी खाई है कोई अच्छी बिरयानी, तो मैंने मास्टर बिरयानी भी खाई है, बहुत अच्छी है। शायद ये मैंने सुना है कि ये भी कराची वाले ही हैं जिन्होंने अपनी ब्रांच यहाँ पर खोली है, लेकिन ये बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। तो कुछ हमारे जो हेल्पर्स थे उनमें हमने बांटी और बाकी घर वालों ने खाई, बहुत टेस्टी थी। तो ये अभी मैं अलफतेह से आई हूँ, वहाँ पर अलफतेह में जो ऊपर कॉस्मेटिक्स की शॉप है वहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा मेकअप वगैरह किया था तो वो मैं दिखा रही थी। और अगले दिन फिर मुझे फ़्लावर मिले जो मेरे जो है हस्बैंड ने भेजे थे, उसके लिए मैं बहुत खुश थी। फिर हम लोग बाहर बैठे हुए थे और मैं, अम्मी और भाभी, बच्चे खेल रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी तक भी मौसम जो है वो हल्का हल्का ठंडा है तो बहुत मज़ा आता है बाहर बैठने में। ये ज़ुवैना है मेरी जानू बेबी और मैं इसके साथ वीडियो बना रही हूँ, और इब्राहिम जो है वो आप लोगों को तो पता है वो खेल रहा है। तो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़।